बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पागेटी। ये एक इटालियन डिश है। ये बनाने में बहुत आसान है, बहुत लजीज बनती है। इसमें बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इनमें इस्तेमाल होगा प्याज और लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर की प्यूरी। ये तोनो फिश है, तोनो फिश के साथ मैं बनाऊंगी स्पागेटी और कुकिंग ऑयल। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पागेटी को उबाल लेंगे। इसके लिए पानी चाहिए। देखिए, मैं पानी लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। मेरी स्पागेटी जो है वो है 250 ग्राम। इसके मुताबिक मैं 1 चम्मच नमक यूज़ करूँगी। और इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी। वैसे तो कुकिंग ऑयल जो स्पागेटी या पास्ता फ्रेश बनाया जाता है उसमें डाला जाता है। जो ये पैकेट वाला या बाज़ार वाला पास्ता होता है, इसमें कुकिंग ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं स्पागेटी इसमें डालती हूँ। ये 250 ग्राम स्पागेटी है। इसको अच्छी तरह उबाल लेंगे। ये जब उबल जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी नज़र आएगी। इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब तक पास्ता उबलता है इतनी देर तक हम सॉस की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए प्याज को छील लेती हूँ। प्याज को काट लूँगी। ये बारीक नॉर्मल जैसे प्याज काटा जाता है इसी तरह कटेगा। सॉस के लिए एक पैन लेंगे। इसमें तकरीबन 3-4 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। अब इसमें शामिल करूंगी प्याज। ऑयल जो है वो कम ही यूज़ करना चाहिए। ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी और प्याज को हल्का ही सोते करना है, ज़्यादा नहीं। नरम पड़ जाए प्याज तो बस इसमें लहसुन डाल देंगे। नमक है ये 1/2 टीस्पून है, क्योंकि मैंने पास्ते में भी डाला है, ये सिर्फ सॉस में डलेगा। और 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च है, और ये ओरगैनो है। ओरगैनो जो होते हैं वो अजवाइन के पत्ते होते हैं, तो ये हाजमे के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब मैं इसमें ये टमाटर की प्यूरी यूज़ करूँगी। आप फ्रेश टमाटर की भी बना सकते हैं। ये 2 टमाटरों की है। ये सब्ज़ मिर्च मैं थोड़ी सी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं स्पाइसी बनाना चाहती हूँ। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें तोनो शामिल करूँगी। फिश ये टिन पैक है। पास्ता तैयार हो चुका है। इसका कलर पहले ब्राउन सा था और अब ये वाइट कलर में हो गया है। अब इसे मैं निकाल के सॉस में शामिल करती हूँ। को मैं पार्सले से गार्निश कर रही हूँ। तो मैंने पार्सले से गार्निश की है। आप रोजमेरी भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत मज़े की बनेगी। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।